तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सौरभ ओझा एंड माय सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमएलबी झांसी। सो मोस्टली कॉलेज में एडमिशन्स हो चुके हैं एंड अब सब बहुत एक्साइटेड है कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, कैसे पढ़ाई होगी, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। तो आज मैं पहले बताऊंगा, ठीक है, कि किस टाइप से बुक्स हमारे एमबीबीएस में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। बुक्स जो होती हैं यहाँ पे दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड एक होती है इंडियन ऑथर बुक। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हम पढ़ रहे होते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड अगर आपको एग्जाम पास करना है तो हम पढ़ रहे होते हैं इंडियन ऑथर बुक। क्या डिफरेंस होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो होती है उनमें जो डेटा होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। जो इंडियन ऑथर बुक है उनमें भी गलत नहीं है, बट उनमें कुछ फ्लॉज होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इजी टू रीड होती है, इसलिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड एग्ज़ाम के टाइम वो काफ़ी कंसाइज फॉर्म में होता है। जो इंटरनेशनल बुक होती हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा उनमें कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है, सो फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ना, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में उतना टाइम रहता नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ सको, एंड चीज़ें तब याद रहती हैं जब आप उन्हें बाहर पढ़ सको। एंड अगर एक बुक में पहले से इतना कंटेंट है कि आप उसे एक ही बार नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कैसे पढ़ोगे, दो तीन बार कैसे पढ़ोगे, और दो तीन बार नहीं पढ़ोगे तो आपको रिवाइज तब रिटेन नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पर पहली चीज़, नेक्स्ट इज अभी सबके सब नीट क्लियर करके आए, ठीक है, सब बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, सबको कॉलेज मिल रखा है, सब एकदम एक्साइटेड है कि बुक्स कर देंगे, एक बुक्स की लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में क्या होता है कि सबके सब बुक्स तो ले लेते हैं बट बाद में होता है रिग्रेट, क्योंकि बुक्स वो पढ़ते नहीं, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूँगा अभी एक्साइटमेंट में बुक्स नहीं लेनी है, आप बुक्स की PDF डाउनलोड करो बुक, और उन बुक्स के जैसे आप मानो दो तीन बुक हैं, ठीक है, तो उनके एक एक चैप्टर रीड करो एंड फिर आप डिसाइड करो कि किस कौन सी बुक के जो लैंग्वेज है इजी टू रीड है, समझ में आ रही है, तो उसके बाद आप अकॉर्डिंगली बुक खरीद लो। ये नहीं कि एक ही बार में मैंने बता दिया कि ये बुक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है तो ये खरीद लिया, ऐसे नहीं होता। अगर आपको इंडियन ऑथर समझ में आ रही है तो इंडियन ऑथर कर दो, अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड में आ रही है तो गोल्ड स्टैंडर्ड वाली कर दो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना। कुछ और मिस जो है जब वो होता है कि जैसे कि जितना हम नीट के टाइम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो कॉलेज में आने के बाद हम उतना नहीं पढ़ रहे जो एक्चुअली रियलिटी है, ठीक है। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे होते हैं, हमें अपने जो कॉलेज के प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं पहले हम कोशिश करते हैं कि हम उनको क्लियर करें, ठीक है। हम उसके बाद ही हम जो एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, वो बात सही है कि एज अ डॉक्टर हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, हमें किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी चैप्टर की इनडेप्थ नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद चीज़ें जो हैं थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे होते हैं। सो फर्स्ट ईयर बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड देन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के मैं पहले गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड इंडियन ऑथर्स वाली बताऊंगा एंड इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी बेटर है, ये भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में जो आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है दैट इज ग्रेज एनाटॉमी, मैंने वो नहीं खरीदी थी, इंटरनेशनल बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है, लेकिन फॉर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए वो नहीं है। वो बेसिकली जो सर्जरी रेसिडेंट होते हैं, जो PG कर रहे होते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 99.9% लोग ये बुक नहीं खरीदते हैं, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट हो आपको पढ़ना है तो अपनी लाइब्रेरी से जाओ, वहाँ पे इशू कराओ, वहाँ पे पढ़ लो, ठीक है, उसको खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले। और इसमें एक और पॉइंट है कि वो जो जितनी भी आपकी इंटरनेशनल बुक है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक तरीके से पैसा फंसाने वाली चीज़ें जो होती है ना, वो फिर जब मान लो आपने खरीद ली, ठीक है, ना पढ़ नहीं रहे तो वो जो रिग्रेट होता है वो ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। कमिंग ऑन टू इंडियन ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स में जो मैंने जो प्रेफर करी थी वो थी BD84 सर की बुक, एंड इसकी चार वॉल्यूम है, ठीक है, चार वॉल्यूम है। फर्स्ट इज न्यूरल एनाटॉमी हो गया आपका, देन देयर इज एब्डोमेन हो गया, अपर लिम हो गया, अपर लिम है, दिस इज लोअर लिम, दिस इज हेड एंड नेक, ठीक है। तो चार वॉल्यूम में डिवाइडेड है, सो अच्छी बुक है, ठीक है, एंड एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी है, पूरे इसमें कॉन्सेप्ट भी है एंड डायग्राम्स वगैरह भी सारे हैं। नेक्स्ट वन एनाटॉमी में इंडियन ऑथर्स में दैट इज विश्राम सिंह। विश्राम सिंह मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, ये मेरे को इसलिए पसंद है बिकॉज इसमें जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, इनमें जो डायग्राम्स दे रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में दे रखे हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, MBBS के एग्जामिनेशन में अगर आप अपने आंसर्स को इन द फॉर्म ऑफ टैबलेटेड फॉर्म में एंड विद डायग्राम प्रेजेंट करोगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विश्राम सिंह में जो आपके डायग्राम्स हैं काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म में, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, इतने सिंपल है कि आप मतलब किसी पर्टिकुलर डायग्राम को देखें आप पूरा कॉन्सेप्ट जो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है या जो थ्योरी है वो ईजी हो जाती है समझना। तो इसलिए विश्राम सिंह
यू शुड गो फॉर इट। सो नाउ कमिंग ऑन टू फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में जो है आपके दो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक हैं, फर्स्ट इज गार्टन एंड हॉल एंड सेकेंड इज गेनॉक्स। ठीक है, तो मैंने पर्सनली मैंने गार्टन एंड हॉल कर दी थी। ठीक है, ये गार्डन एंड हॉल, ठीक है, ये इंटरनेशनल बुक्स में ही आती है। ठीक है, हम बेसिकली साउथ एशियन एडिशन पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, एंड ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें जो डेटा है पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बस ये बुक को पढ़ने में अच्छी है, सबको अच्छा है, बस ये कि ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम टाइम इसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड एग्जाम टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे तो लिखोगे क्या फिर? ठीक है, तो इसकी एक रीडिंग आप मार सकते हो। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडियन ऑथर्स को ही प्रेफर करना पड़ता है। इंडियन गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज गेनॉन्ग। ठीक है, तो गेनॉन्ग जो है अच्छी बुक है, इसमें बल्कि गाइडेंस से थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा और लेंथी फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत कम ही लोग प्रीफर कर रहे होते हैं, बट इट्स अ गुड बुक, अच्छी बुक है। इंडियन ऑथर्स की बात करो तो इंडियन ऑथर्स में जो मोस्टली जो बच्चे प्रेफर करते हैं, दैट इज सेम्बुलिंगम। सेम्बुलिंगम इट्स अ गुड बुक। क्यों अच्छी बुक है? बिकॉज इसमें चीज़ें जो है मोस्टली पॉइंट के फॉर्म में दे रखी हैं, एंड पॉइंट के फॉर्म में चीज़ों को रिटेन करना ईजी होता है। ठीक है, तो ये बच्चे इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टैबलेटेड फॉर्म में चीज़ें दे रखी हैं, इसलिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट जो इंडियन ऑथर बुक जो फिजियोलॉजी की, दैट इज ए के जैन सर की बुक है, एंड ये भी आपके सेम्बुलिंगम की तरह इसमें चीज़ें आपके थोड़े और ज़्यादा बेटर वे में ही हैं, टैबलेटेड फॉर्म में है एंड पॉइंट्स में है, एंड थोड़े जो लैंग्वेज है बेसिकली जो ए के जैन की जो लैंग्वेज है ये ईजी है, तो इसलिए बच्चे इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। नॉन एक्समिंग ऑन टू बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में जो आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज हॉपर। मेरे कॉलेज में किसी ने भी हॉपर नहीं खरीदी थी। ठीक है, एंड मोस्टली कॉलेज में 99.9% लोग हॉपर नहीं खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो उसमें जो कॉन्टेंट है वो अभी फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उसे प्रीफर ही कोई नहीं करता है। ठीक है, इंडियन ऑथर से बात करो तो इंडियन ऑथर से मैंने पर्सनली जो खरीदी थी, मैंने वासुदेवन खरीद रखी थी। सो ये वासुदेवन है, ठीक है, एंड अच्छी बुक है। ठीक है, लैंग्वेज इसकी ईजी है एंड चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यू कैन प्रीफर दिस। एंड एक और आपकी इंडियन ऑथर्स में आएगी, दैट इज सत्यनारायण, तो सत्यनारायण भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसमें बल्कि इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, बट दोनों ही बुक अच्छी है। आपको किसकी लैंग्वेज ईजी लग रही है वो आप प्रेफर कर सकते हो। सो इट्स कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, तो मैं अभी सजेस्ट करूँगा बुक्स मत खरीदना। ठीक है, अभी एडमिशन हुआ है तो उन बुक्स मत खरीदना, पहले सबकी PDF डाउनलोड करो। ठीक है, चैप्टर्स के थ्रू जाओ, चेक करो किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ठीक है, एंड उसके बाद ही बाय करना। ठीक है, एंड बहुत बार होता है कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होते हैं उनसे भी आपको बुक्स मिल जाती हैं, तो अभी पहले कॉलेज में सब आ जाओ। ठीक है, एंड फिर अपने सीनियर्स आप बुक्स मांगो, एंड उसी सीनियर्स आपको बुक्स दे भी देते हैं। ठीक है, सो इफ यू फाउंड दिस यूजफुल प्लीज टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग चैनल, एंड यहाँ पे रेड बटन है, ठीक है, उसे तुरंत क्लिक करो यार, तुरंत राइट नाउ। टिल देन बाय बाय, साइनिंग आउट।